भाभी है इधर, आइए ना इधर। वेलकम टू माई YouTube चैनल विथ अ न्यू व्लॉग। सो गाइज, हम अभी अपने मम्मी के घर में हैं। कल ही आए, कल रात को 7:30 बजे पहुँचे। तो आज बहुत स्पेशल डे है गाइज, आज दो व्लॉग हम बनाने वाले हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो गाइज, आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है ये तो आप लोग समझ ही गए हो। आज हम अपनी फर्स्ट सैलरी से कुछ गिफ्ट खरीदे हैं मम्मी पापा के लिए, वो हम देने वाले हैं। तो हम बहुत ही खुश हैं। अब देखते हैं मम्मी पापा लोग का कैसा रिएक्शन रहेगा मेरी सैलरी से, कुछ उनको देंगे अपनी खुद की सैलरी से। तो सैलरी मिलने के बाद ये फर्स्ट टाइम है हम घर आ रहे हैं, तो इसीलिए हम सोचे कि आज ही देते हैं। तो छोटा मोटा कुछ है तो वही हम देने वाले हैं। तो अभी सुबह गए 6:30 बज रहे हैं, तो सुबह सुबह हम इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत ही बिजी डे है। मम्मी भी खेत तरफ चले जाएगी, फिर मम्मी पापा दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो फिर बनेगा नहीं हमको वीडियो बनाने, और हमको भी कहीं जाना है तो इसीलिए फिर घर में रहेंगे नहीं तो शूट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हबी भी है, बाहर है। ओ, अभी तो फिलहाल किचन में चाय चढ़ाए हैं हम, चाय है और इधर प्याज साग, तो चाय पत्ती इसमें डाल देते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से। तो चाय बन रहा है और इधर है मम्मी लोग सब, बाहर है पापा, इधर मम्मी। तो हम थोड़ी देर में चाय बन जाने के बाद तो हम थोड़ी देर में गिफ्ट देंगे। अभी थोड़ा मम्मी को झाड़ू लगाने दे देते हैं और अभी मुंह धो रहे हैं तो उनको आने देते हैं, फिर वो कैमरा पकड़ लेंगे, उसके बाद हम देंगे। तो ये और गाइस, घर में भी बहुत सारा काम हो गया है, हम दिखाएंगे आप लोगों को, पर हमको लगता है अब पूरा घर जब बन जाएगा तभी आप लोगों को दिखाने से ठीक रहेगा। इधर देखिए पीछे, ये पीछे यहाँ दरवाज़ा खुल गया, पूरा आवाज़ गूंज रहा है। ये पीछे हमारा हॉल था पहले से, पर यहाँ दरवाज़ा नहीं खुला हुआ था तो दरवाज़ा खुल गया पूरा। देखिए बड़ा सा जगह है इधर, ये पूरा बन गया है। ऊपर भी बहुत सारा काम हुआ, बाहर भी आंगन में काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। अब पूरा घर बन जाएगा तभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी तो ऊपर ही है, कब आएंगे अभी। बाहर कुछ इस तरह का सीन है, तो अब पापा ब्रश करने लग गए और अभी चाय पी रहे हैं, तो चाय पीने देते हैं और पापा को ब्रश करने देते हैं, उसके बाद देंगे। इन ऊपर तो अच्छा लग रहा है, गए थे हम ऊपर, गए थे अच्छा। फॉल सीलिंग जो ये में डालना है ना, कोना कोना में रहेगा। नहीं नहीं पूरा छत में। अच्छा हाँ, मुझे पापा भी है इधर, आइए ना इधर। चलो, इतना हाथ गंदा है।
अब इसमें क्या होगा, हाथ थोड़ा दिखेगा। ऐसे तुम्हारा माँ बाप लोग है कहे। कैसा लगा गिफ्ट? नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। इधर देखिए, नाश्ता में है प्याज साग जो बना था वो, और रोटी और एक केला लिए हैं। तो अच्छा धूप लग यहाँ पे लग रहा है, पूरा यहाँ पे अच्छा धूप आता है। कुआं के पास बैठे हैं हम, तो मम्मी पापा को जो गिफ्ट दिए हो तो पापा लोग ट्राई नहीं किए हैं। हम ट्राई करके देखेंगे तो ना फिट आ रहा है कि नहीं। मम्मी तो दोनों काम में बिजी हैं, पापा कुछ क्या लकड़ी का कुछ कर रहे हैं, मम्मी सर छत के ऊपर गई है बादाम को समेटने, दिन भर बिजी रहती है मम्मी। तो फिर खेत भी जाएगी मम्मी, देखते हैं कब फ्री होते हैं तो लोग। Hey guys, तो अभी तो मम्मी जाने के लिए रेडी हो रही है खेत, और हम मम्मी के लिए डाल दिए हैं। देखिए मम्मी का खाना है इधर, और इधर है बोतल। अब मम्मी तो जाने के लिए हो गई है, तो मम्मी को ट्राई करवा देते हैं वरना ट्राई भी नहीं हो पाएगा। चलो मैं पहन के दिखा सही से आ रहा है कि नहीं। इधर किटी बैठी है पूरा म्याऊ म्याऊ कर रहा है। इसको रोटी दिए फिर भी पेट नहीं भरा है शायद। हम भी दिए ना रहे हैं बाबा बताइए इसका नाम है स्मॉल पाटा स्मॉल पाटा पाटा है खींचने वाला, तो हाथ से खींचेगा। आलू का खेत में ले जाके समतल किया जाता है। तो यही पापा सुबह से कर रहे हैं नाश्ता करने के बाद। तो बन गया पूरा। और इधर ढेल पासा इस ढेला को तोड़ा जाता है, बोला है ढेल पासा। और एक ठो बनाए हैं इधर। चलिए नीचे ट्राई करके दिखाइएगा फिट हो रहा है कि नहीं। इधर मम्मी मम्मी निकाल ली, चलो पहन के दिखा दो। हाँ देखो, हाँ अच्छा लगा। ठीक ही हुआ। हम अपने से थोड़ा बड़ा ही खरीदे थे, तो तुम्हारा में ठीक है, तुम्हारा पैर बड़ा है मेरे से। चलो आ रहे हैं। तो अभी पापा ट्राई करने वाले हैं। पापा बोल रहे हैं कि ट्राई कर लिए पहले ही सकल ना सूरत दिया है ना हाल ना भवाल ठीक लगा बढ़िया से हुआ। पूरा सही हुआ, हाँ फिट हुआ। हो गया। हाँ पूरा फिट हुआ। और गाइस हम हबी के लिए भी खरीदे हैं, पर ये उनका गिफ्ट नहीं होगा क्योंकि वो तो खुद ही थे मेरे साथ खरीदने टाइम। तो उनके लिए भी सेम वही स्टाइल में एक स्वेटर लिए हैं, बस कलर अलग है। हाँ
पापा के लिए भी सही फिट हुआ, मम्मी के लिए भी सही फिट हुआ, तो अच्छा एक्सचेंज एक्सचेंज का कोई झंझट नहीं हुआ। तो मेरा ये छोटा सा गिफ्ट था उनके लिए मेरे फर्स्ट सैलरी से। बाद में और भी कुछ देंगे हम, कुछ थोड़ा बड़ा थोड़ा। तो वैसे ही तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं गाइस, क्योंकि अभी हमको और भी नेक्स्ट ब्लॉग भी शूट करना है। तो अभी हम नहाए धोए हैं नहीं और हम हेयर कटिंग कराए हैं गाइस, कल करा लिए, गुमला आए थे तो मतलब टाउन में कराए, कल शाम में कराए, पर बाल भिंगा दी थी, भिंगा भिंगा बाल था पूरा सुबह में सूखा। तो बस सिंपल सा कट करा लिए प्लेन ही, और वैसा तो कुछ खास हम बाल में करवाते नहीं है, इतना पतला बाल है, कुछ हो जाए अगर ये भी उड़ गया तो मेरा तो तो सिंपल ही करवाए हैं। तो चलेगा इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा ही ब्लॉग रहेगा। ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरे फर्स्ट सैलरी से कुछ गिफ्ट दिए हैं मेरे मम्मी पापा को, तो बहुत ही खास है ये ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।